NDA एकजुट है, एक गुट है, विकास के रास्ते हैं, इनसे हम कहीं अलग नहीं हैं, एक भी पार्टी नहीं रही। हमको तो लगता है कि अब महागठबंधन को अपना नाम चेंज कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। अब कौन सा महागठबंधन, मतलब बड़ा बैनर लगा लेने से बड़े आदमी नहीं बन जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा है, तो इस भरोसे के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन एनडीए के तरफ से अभी कुछ भी ऐलान नहीं किया गया कि आखिर एनडीए में कौन रहेगा और कौन जाएगा। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय मयूख, इनसे जानेंगे कि आखिर एनडीए में चल क्या रहा है। सर, जिस तरीके से एनडीए में आप लोग पुराने तीन साथी थे, लग रहा है ऐसा कि आपके चिराग घर में रहेंगे या बाहर जाएंगे, क्योंकि अब कन्फर्म है कि मुलाकात के दौर जारी है, लगातार मीटिंग हो रही है। क्या लग रहा है सर कि चिराग रहेंगे या जाएंगे? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एकजुट है, एक गुट है, 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, सर्वाधिक सीटों पे जीतेंगे, क्योंकि बिहार की जनता का हमको आशीर्वाद प्राप्त है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की जो कल्पना है, पूर्वोत्तर के विकास की, उसमें बिहार भी आता है और बिहार के विकास पर काम हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम उन लोगों को अवश्य जवाब देंगे जी। जो लोग कल तक केवल सवाल उठाते थे, सेवा से भागते थे, तो उन सभी लोगों को हम जवाब देने वाले हैं। सर, एक तरफ आप नीतीश कुमार के जो कार्यकाल पूरा रहा उसको लेकर के आप लोग आश्वस्त हैं कि जीत मिलेगी, लेकिन चिराग पासवान उनके नाम के ऊपर अभी भी डगमगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके नाम के साथ जाना नहीं चाहते हैं। NDA एकजुट है, एक गुट है, विकास के रास्ते हैं, इनसे हम कहीं अलग नहीं हैं, सब लोग एक हैं, इस बात का आप विश्वास रखिए। महागठबंधन में भी जो चल रही है कि महागठबंधन अभी मजबूती स्थिति में NDA के सामने, क्योंकि उसके पास तेजस्वी यादव जैसा युवा नेतृत्व है, उन्होंने साफ साफ जनता से कहा है कि सरकार दो और नौकरी लो, इसके ऊपर क्या कहिएगा? अरे भाई, पूत के पाँव पालने में ही पते चल जाते हैं, पूत के पाँव का पालना में पता चल गया, एक भी पार्टी नहीं रही। हमको तो लगता है कि अब महागठबंधन को अपना नाम चेंज कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि अब कौन सा महागठबंधन, किस पार्टी के साथ वो गठबंधन बना रहे हैं? आपने सब कुछ साफ है, शीशे की तरह साफ है, स्पष्ट है, महागठबंधन में कोई दल नहीं है। जब से महाराज युवराज आए हैं, तब से सारी पार्टियां उनसे अलग होते जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी का आपने बयान देख लिया, अलग मोर्चा बन गया, जीतन राम मांझी जी का अलग मोर्चा, अलग चले गए। अब कौन सा महागठबंधन, मतलब बड़ा बैनर लगा लेने से बड़े आदमी नहीं बन जाते, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो क्या लग रहा है सर कि तेजस्वी यादव आप लोग के सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे? भाई, बिहार की जनता का हमको आशीर्वाद प्राप्त है, बिहार की जनता के आशीर्वाद से चल रहे हैं और बिहार की जनता निर्णय करेगी। इतना साफ साफ है कि हम पर बिहार की जनता को भरोसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा है, तो इस भरोसे के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि चिराग भी सहमत हो जाएंगे नीतीश कुमार के नाम पर? भाई, NDA एकजुट है, एक गुट है, कोई अलग नहीं है, आराम से चलेंगे, 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।